महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे। अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समाज को जोड़ा था, वहां के मीना, कोल, भील, भामाशाह जैसे दानवीरों ने उनके साथ सहयोगी बनकर के उस समय भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था। और जिस देश में भामाशाह होंगे, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म पर सर्वस्व निछावर करने वाले महावीर होंगे, उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आज जब हम राय की इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं आप सबका आह्वान करने के लिए, बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लो हो, या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है, इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है, इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम किया है। आतंकवाद अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा, जब देश में रहते हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है।
बहनों और भाइयों, एक और देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है, परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लोग हैं, आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, इस यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुई। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, सोनीपत हो या पानीपत या बागपत, याद करिए, ये वे क्षेत्र है जो आज जनपद के रूप में है, जिनको कभी पांडवों ने दुर्योधन से कहा था कि भाई 5 गांव, भगवान कृष्ण ने कहा था ये 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन कहां मानने वाला था, महाभारत का युद्ध करवा दिया, और फिर उस परिणाम क्या होना था जो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, याद करिए, अभी कुछ दिन पहले यहां का एक नौजवान, भारत की सेना का जवान, भारत की सेना पर शहीद हुआ था, ये हरियाणा के बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करते हैं, अपनी पूरी जवानी लगाते हैं, और इसीलिए भारत के इन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम के लिए पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है, उन्हें उनके प्रति, उनके बलिदान के प्रति नमन करता है। लेकिन कांग्रेस के समय में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, कभी पाकिस्तान कभी चीन भारत के अंदर घुसता था, भारत की जमीनों पर कब्जा करता था। लेकिन आज चीन और पाकिस्तान भारत के अंदर घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता, आज उसे मालूम है कि घुसेंगे तो पिटेंगे, आज उसे मालूम है, आज तो अगर कहीं कोई हरकत, भारत विरोधी हरकत पाकिस्तान के अंदर है, सीमा पार कहीं होती है, भारत के बहादुर जवान जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनका काम